फिर अनुपमा के बारे में बात करने वाले हैं क्या, यहाँ पे बैड न्यूज आ रही है शो के बारे में। तो यहाँ पे अनुपमा शो गोइंग ऑफ एयर इन नवंबर 2023। क्या ये शो बंद हो रहा है, क्या ये शो आप सभी को नहीं देखने मिलेगा? सबसे पहले शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट आप सभी को कर देना है, तभी आपको आने वाली अपडेट मिलेगी। अभी सबसे पहले वेल दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त तंजीर और आप देख रहे हैं क्रेजी न्यूज। आप सभी को पता है कि ये जो शो है बहुत ज़्यादा कमाल का है, इसमें आप सभी को बहुत सारे किरदार नज़र आते हैं, ज़बरदस्त शो माना जाता है, अनुपमा को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और बहुत ज़्यादा बेहतरीन भी है। रूपाली गांगुली आप सभी को देखने मिलते हैं, स्टार प्लस पे ये शो था, फिर OTT पे गया, तो एक ज़बरदस्त शो है और बेहतरीन शो है। और इस शो को अनुपमा को सारे लोग देखते हैं और हर घर में हर माँ इस शो को देखती है, इसलिए पॉपुलर भी है, नंबर वन पे रहता है। अब यहाँ पे जो अनुपमा है ये बताया जा रहा है कि ऑफ एयर होगा, लेकिन ऐसा अभी नहीं है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इसी नवंबर ऑफ एयर हो जाए, लेकिन ये ऑफ एयर नहीं होगा। अब दिसंबर लग चुका है और दिसंबर लग चुका है तो अब ये शो बंद नहीं होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब दिसंबर है आज, तो अब ये शो बंद नहीं होगा, यानी ये शो चलेगा आगे और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आप सभी फैंस को। तो यहाँ पे जो हमारा चीज़ थी अनुपमा शो गोइंग ऑफ है इन दिसंबर 2023, तो दिसंबर में नहीं होने वाला है, ना नवंबर में हुआ ना दिसंबर में होगा। क्योंकि देखो यार, जब एक शो चलता है और शो चलने के पीछे का रीज़न क्या होता है, TRP, और जब TRP पे नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री पे रहे तो शो क्यों बंद होगा? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बंद कर दो, बंद कर दो, ऐसे थोड़ी बंद होता है, जब तक TRP चलेगी बंद थोड़ी होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि शो बंद होगा, ये गुड न्यूज़ है और आगे भी शो चलेगा, क्योंकि बहुत अच्छी TRP लाता है और नंबर वन से लेकर नंबर 10 के अंदर ही रहता है ये शो, नंबर 5 के अंदर ही रहता है ये शो, इतना ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो यहाँ पर ये शो आने वाले वक्त में चलते रहेगा।